अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पहले इससे वीडियो में आपको बताया कि वार्नर म्यूज़िक में किस तरह से आपने डिपॉज़िट करना है और किस तरह से आपने इसमें अकाउंट बनाना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखें, जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया उसके कुछ ही टाइम के बाद मुझे रिवार्ड के तौर पर 30 वाउचर मिल गए। जैसे ही इसमें मैं टास्क में जाऊँ तो आपको दिखाऊँगा कि देखें, टास्क यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये टास्क में जाके आपको देखिए 29 वाउचर रह गए, क्योंकि मैंने एक वाउचर की एक टिकट ख़रीद ली है। तो अब मेरे पास ये यहाँ पे 29 वाउचर जो है वो शो हो रहे हैं। तो इसके बाद मैं होम में वापस आऊँगा, ये मेरे पास वाउचर आ गए हैं और इसके साथ मेरे पास 31 जो है वो अवेलेबल बैलेंस है। तो अब मैं इससे टिकट्स बाय करना आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और इससे अर्निंग कैसे लेनी है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले ये होम के आइकन पे, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी जो टिकट है वो चूज़ करूंगा कि $10 की ये सेकंड नंबर पे जो टिकट है ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके लिए आपको $10 चाहिए और एक वाउचर चाहिए। एक वाउचर या $10, दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे पास 29 वाउचर है, मैं 29 टाइम्स ख़रीद सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये इस तरह से इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज क्वांटिटी $1 एंड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन $10, यानी कि वन टिकट $10 की है और इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 0.30। ठीक है, ये मैं दो तरीक़ों से खरीद सकता हूँ। पेमेंट मेथड्स मेरे पास दो हैं, एक तो पेमेंट बैलेंस पेमेंट है और दूसरा वाउचर पेमेंट है। तो मेरे पास दोनों ही अवेलेबल हैं तो मैं दोनों से ही ख़रीदूँगा। तो देखिएगा, मैं पहले अपने बैलेंस से ख़रीदूँगा, $10 की है तो मुझे 3 ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ख़रीदूँगा 2। और मैं मेरे पास $31 है तो मैं एक टिकट देखूंगा जिस जो $11 की मुझे मिल जाए ताकि मुझे उसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये दो टिकट्स मैं यहाँ से अपने बैलेंस की ख़रीद लेता हूँ। ये कंफर्म पे परचेज़ किया तो ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, तो आईसी यानी कि मुझे समझ आ गई। ओके, तो ये आईसी। अब मैं इसी से जो है ये वाउचर से यही टिकट्स ख़रीदूँगा 29 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास 29 वाउचर्स है। तो ये मैंने 29 टाइप कर दिया। तो अब आप देखिएगा, कंफर्म परचेस करूँगा तो ये 29 टिकट्स का मुझे आईसी आ गया। अब इसमें देखें 8.70 प्रॉफिट आना है मुझे, 29 का 8.70 प्रॉफिट आएगा, यानी कि एक टिकट मैंने पहले ख़रीद ली थी वाउचर्स की तो $9 मुझे प्रॉफिट इसका आ जाएगा। और जैसे ही प्रॉफिट आएगा मैं भी आपको दिखा दूंगा। अब मेरे पास $11 बचे हैं तो उसकी मैं कोई टिकट देखता हूं जो $11 की हो, तो अगर कोई होती है तो मैं वो परचेस कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मुझे यही $10 वाली ही परचेस करनी पड़ेगी। नहीं है तो चलें यही एक और परचेस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक परचेस कर ली है और जी, तो ये आईसी। अब मेरे पास अवेलेबल बैलेंस सिर्फ $1 रह गया और उसकी मैं टिकट नहीं ख़रीद सकता। वो कब ख़रीदूँगा? जब ये अगले दिन, यानी कि एक दिन में सिर्फ आप एक दफ़ा टिकट ख़रीद सकते हैं, दोबारा नहीं ख़रीद सकते। अब अगले दिन ख़रीदूँगा, तब के लिए जो है मैं भी आपको दिखाऊँगा कि मेरे पास ये जो मैंने टिकट्स ख़रीदी हैं उसके बाद मेरे पास देखें $1 अवेलेबल बैलेंस में आ गया है। यहाँ पर माइन पे जब मैं आया तो मेरे पास अब $1 बचा है अवेलेबल बैलेंस में। बाकी कहाँ गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मेरे पास चला गया जी, ये देखें जी, मैं यहाँ से जाऊँगा इनकम पे, तो ये इनकम के ऑप्शन पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये फ्रोज़न असेट्स में, फ्रोज़न असेट्स में देखें $30 मेरे पास यहाँ पर फ्रोज़न हुए पड़े इस टाइम, यानी कि मेरे पास इस टाइम जो है वो मैंने टोटल $30 की टिकट्स ख़रीदी हुई हैं। और ये रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर्स यानी कि $330 वो कहता है कि आपने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैंने $30 अपने और 30 वाउचर थे, एक वाउचर $10 के बराबर होता है, तो मैंने $330 टोटल यूज़ किए हैं। तो ये मेरे पास डिटेल आ गई सारी। तो अब मेरे पास कुछ टाइम के बाद जो है रिवार्ड, ये मुझे रिवार्ड के साथ वापस मिल जाएगा। तो जब वो मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा।
जी तो गैस मैंने जो टिकट्स बाय की थी, इन्वेस्टमेंट की, वो प्रॉफिट के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई है। और ये तो काफ़ी देर पहले आ गई थी, लेकिन मैंने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब वापस आई थी। तो यहाँ पे माय इनकम में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 38.92 जो है ये मेरे अकाउंट में टोटल एसेट्स हो चुके हैं इस टाइम, जो कि पहले थे 31। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7.92 जो डॉलर्स हैं ये मुझे इनकम हुई है अब तक की। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मुझे 7.92 इनकम हुई है, इनको विड्रा कैसे करना है। ये मेरी फर्स्ट जो है वो इनकम है, आप देख सकते हैं, और इसको मैं अभी आपके सामने विड्रा करूँगा, और फिर जैसे ही मुझे विड्रा रिसीव हो जाएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिएगा ये यहाँ पे माइन में ही जहाँ पे रिचार्ज किया था, इसके साथ वाले ऑप्शन विड्रा पे क्लिक करना है, और विड्रा पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पास एक इंटरफेस ओपन हुआ है और ये खुद ही आगे चला गया। अब यहाँ पे मैं एक सेटअप ऑफ फंड पासवर्ड करूँगा। यहाँ पे मुझे एक नया पासवर्ड, एक तो आईडी का पासवर्ड था, एक यहाँ पे पासवर्ड लगाना पड़ेगा जो मेरे फंड को रिलीज़ करने के लिए यूज़ होगा। तो ये मैं पासवर्ड यहाँ पे सेट करता हूँ जी। तो गाइस मैंने पासवर्ड सेट किया है और इसको श्योर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये पासवर्ड चेक सेट सक्सेसफुली हो गया है। अब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और यहाँ पर मुझे वॉलेट एड्रेस एंटर करना होगा, और उसके साथ ही मुझे यहाँ पे फंड पासवर्ड जो मैंने अभी सेट किया वो लिखना होगा। तो यहाँ पे वॉलेट एड्रेस मैं कौन सा लिखूँगा, यहाँ पे वॉलेट एड्रेस वो लिखूँगा जो मैंने जिस भी वॉलेट में अपने पैसे मंगवाने हैं। तो मैं यहाँ पे ओके एक्स में मंगवाऊँगा, तो चलें ओके एक्स की आईडी ओपन करते हैं। ये बेसिकली आपको वॉलेट एड्रेस जो है वो ओके एक्स के अकाउंट से मिलेगा, कि ओके एक्स के अकाउंट में जो है वो वहाँ से वॉलेट एड्रेस कॉपी करके तो यहाँ लाके पेस्ट करना पड़ेगा, और यही वॉलेट एड्रेस, इसी वॉलेट एड्रेस पे फिर आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो जाएगी। तो ओके एक्स ओपन हो रहा है, और ये आपके पास जो है, ये मेरे पास ओके एक्स का अकाउंट का मेन इंटरफेस जो है ये ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा ओके एक्स के अकाउंट में सिंपल एसेट्स पे गया हूँ और यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा, ये क्योंकि इसमें मैंने डिपॉजिट करवाने हैं, उससे विड्रा करने और इसमें डिपॉजिट करवाने हैं। तो डिपॉजिट पे क्लिक किया, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे क्लिक किया डिपॉजिट पे। ये बेसिकली मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये दो चीज़ें आ गई कि मैं ऑन चेन डिपॉज़िट करना चाहता हूँ या फैट डिपॉज़िट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑन चेन डिपॉज़िट करूँगा, तो आप देखें कि ये ऑन चेन डिपॉज़िट जो है मेरे पास, ऑन चेन डिपॉज़िट में मेरे पास वो पूछ रहा है कि आप कौन सी क्रिप्टो डिपॉज़िट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे USDT सर्च की है मैंने, तो USDT का नेटवर्क जो है वो मैं वही सिलेक्ट करूँगा जो वहाँ पे था पहले, और वो क्या था, TRC20। तो USDT का TRC20 सिलेक्ट करूँगा, और ये मेरे पास USDT, ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉलेट एड्रेस है ये मेरे पास सामने आ गया है, ये वाला डिपॉजिट एड्रेस। तो इस पे मुझे डिपॉजिट करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको जब मैं कॉपी करूँगा तो ये मेरे पास कॉपीड हो गया। अब मैं वापस जाऊँगा अपने उसी अकाउंट पे वार्नर म्यूज़िक के, और वहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट करूँगा। तो ये ओपन हो रहा है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो पेस्ट करूँगा तो फिर इस एड्रेस पे जो है वो मेरी पेमेंट सेंड हो जाएगी आफ्टर द फ्यू आवर्स।
तो इसमें मैं आ गया हूँ, इस पे वही जो है मैं काम करूँगा, माइन पे जाके विड्रा के ऑप्शन पे जाऊँगा, और विड्रा के ऑप्शन में विड्रा मेथड मैंने बेसिकली इसमें चूज़ करना है। तो विड्रा पे मैंने क्लिक किया है, अब ये विड्रा के ऑप्शन पे जाके आपने वही काम करना है, और एड्रेस वहाँ पे इस वक्त तो पेस्ट करना। तो ये मेरे पास जो है वो एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है। तो आप देखेंगे कि ये देखें, इस जगह पे मुझे ये एड्रेस कॉपी करना है और सॉरी पेस्ट करना है। तो इस पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने एड्रेस को। ये नेटवर्क पूछ रहा है, तो नेटवर्क मेरा TRC20 ही होगा। ये इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस वो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे फंडिंग पासवर्ड जो मैंने लगाया था वो मैं लिखूँगा, ये मैंने फंडिंग पासवर्ड भी लिख दिया। अब मैं इसको श्योर करूँगा, श्योर हो रहा है जी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास विड्रा मेथड जो है ये फाइनलाइज हो गया है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल मुझे अमाउंट एंटर करनी है और फंडिंग पासवर्ड लगा के विड्रा कंफर्म कर देना। तो मैंने यहाँ पे 14.99 विड्रा अमाउंट लिख दिया। अच्छा, ये 14.99 क्यों लिखी है? क्योंकि जब आप 15 से कम निकलवाते हैं ना, तो आपका $1 कटता है, जैसा कि जवाई में होता था। अगर आप 15 लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 14.99 भी ऑलमोस्ट 15 ही होता है, लेकिन अगर आप 15 लिख देंगे तो आपके $2 कटेंगे, इस तरह से $1 कटेगा। तो मैं हमेशा यही फिगर जो है वो और निकलवाता हूँ। तो मैंने इसको अब कंफर्म विड्रा करना है, मैंने फंड पासवर्ड भी लगा दिया। तो जब मैं कंफर्म विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है विड्रॉल और सबमिटेड सक्सेसफुली। तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा कि मुझे पता चल गया है। तो अब मैं देखूँ अपने अवेलेबल बैलेंस में, तो आई हैव जस्ट 23.93 अवेलेबल बैलेंस, यानी कि मेरे अकाउंट से 14.99 जो डॉलर्स हैं वो कट आउट हो चुके हैं। तो अब मुझे कंफर्मेशन के लिए विड्रा पे क्लिक करना पड़ेगा कि मेरे जो है विड्रा रिकॉर्ड्स मुझे क्या कहते हैं। तो ये मैंने, अच्छा सॉरी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि विड्रा में ही आया हूँ वापस, और ये ऊपर कॉर्नर में जो ऑप्शन है विड्रा रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करूँगा। जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो भी मैंने विड्रा लगाया हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो ये बता रहा है कि आपने 17 तारीख और चौथे महीने को, यानी कि आज 17 तारीख है और चौथा महीना है, कि आज की तारीख में आपने 6:02 पर विड्रा लगाया। लेकिन अभी 6:02 नहीं हो रहे, अभी जो है वो टाइम तकरीबन 10 मिनट है, लेकिन इनका टाइम 4 घंटे पीछे है, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था। तो ये मेरे पास अंडर रिव्यू आ रहा है जी। तो जैसे ही ये मेरे पास पास होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा पॉज करने के बाद दोबारा से इसको रिज्यूम करके आपको दिखा दूंगा। और लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ आवर्स में ही ये मेरे पास पास हो जाएगा। तो इसके मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही ये पास हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली माय विड्रा इज़ रिसीव्ड एंड आई वांट टू शो यू कि मुझे विड्रा जो मैंने सुबह 10 बजे लगाया था, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन मुझे 6 बजे जो विड्रा है वो रिसीव हो गया था अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ही लिमिटेड टाइम में, तकरीबन 8 घंटों में विड्रा रिसीव हो गया। तो ये देखिएगा, मैं अपने वार्नर म्यूज़िक के अकाउंट में आ चुका हूँ, और ये मैं विड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, और विड्रा रिकॉर्ड ऊपर लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर में, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 14.99 जो है वो विड्रा पास हो गया है, जो कि मैंने लगाया था सुबह 6:02 पे उनके टाइम के मुताबिक, और हमारे टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे तकरीबन लगाया था। एंड आई गेट इट सक्सेसफुली। सो आई वांट टू से यू ऑल ऑफ यू
ये ऐप अभी के लिए ट्रस्टेड है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी ये तकरीबन तकरीबन 3-4 माह के लिए कहीं नहीं जाती, और जिस पे मुझे खुद ट्रस्ट होता है मैं उसी का ही सुजेस्ट करता हूँ। तो ये मेरे लिए ट्रस्टेड है एंड आई वांट टू से यू डैड कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय दिस इंशाल्लाह। तो मैं आप सबको सुजेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी लॉस हुआ है जावाई से वो आप इजीली यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सब्र के साथ और एतमाद के साथ इस पर काम करें। अब देखें, मैंने कल इस पे जो है वो आपके सामने, कल नहीं बल्कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने किया था, क्योंकि मैंने वीडियो सुबह स्टार्ट की थी। तो मैंने कल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की है आपसे तकरीबन तकरीबन कोई 20 घंटे पहले और $31 की, और अब तक मुझे $15 $14 रिसीव हो गए, बाकी मेरे $17 इन्वेस्टेड है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास $24.41 अभी इसमें मौजूद है, जो भी मैं विड्रा लगाऊं तो सुबह तक आ जाना है, यानी कि मुझे फिर भी बेनिफिट ही है अगर मैं अभी भी निकाल लेता हूँ। अभी मेरी टीम अर्निंग बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि अभी मैंने टीम जो है वो बनानी स्टार्ट की है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं आपको टीम अर्निंग दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली टीम इनकम है, इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरी टीम इनकम जो है वो सिर्फ एक बंदे ने $30 ऐड किए हैं, जिसके मुझे डेफिनेटली वाउचर मिल गए होंगे, ये अभी इसने कुछ टाइम पहले ही ऐड किए हैं। तो मुझे भी अभी मैंने देखे हैं, मैं जाऊंगा वाउचर चेक करता हूँ जी कि इसके मुझे वाउचर मिल गए हैं। वाउचर के लिए मैं जाऊंगा टास्क के ऑप्शन पे, टास्क पे क्लिक किया तो अभी मुझे वाउचर रिसीव नहीं हुए, मुझे जल्द ही वाउचर रिसीव हो जाएंगे, देन मैं वो कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मुझे इस एक टीम मेंबर के वाउचर रिसीव होंगे। तो आई विश यू फॉर यू ऑल ऑफ बेस्ट, मैं आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और आप सबको जो है सजेस्ट करता हूँ इस ऐप में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप का लिंक भी भेज दूँगा, और जो मेरे रेफरेंस से ऐड होना चाहता है उसको मैं अपना रेफरेंस भेज दूँगा, वो मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह अपने प्रॉफिट में से भी उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड दूँगा, जो उसके ऐड होने से मुझे प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।